हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलिमोरिया। हमेशा की तरह यही बात कहते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करूँगी कि मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने इतना इतना प्यार दिया। मैंने तो एक छोटी गांव की छोटी टीचर होने के बावजूद कभी ऐसा सोचा नहीं था कि पूना से, मुंबई से, बड़ौदा से लोग मुझे फोन कर कहेंगे कि वो भी मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं। एक सिंपल टीचर होने के नाते मेरी यही कोशिश रहती थी कि रोज अपने बच्चों को एक नई चीज सिखाऊं, चाहे वो एक अच्छी न्यूज जो वो सुनना चाहते हो, या फिर एक नया रिडल, या फिर एक नया डिबेट का टॉपिक, या जो भी न्यूज उस समय के अनुसार थी वो। और मुझे पता नहीं था कि वो मेरे बच्चे आज भी अपने घर याद रखते हैं और इसी वजह से उनके पेरेंट्स का मुझ पर फोन आता है। सो लव यू गाइज एंड थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास फर्दर टूडे विथ स्टैंडर्ड 3। इसका हम चैप्टर नंबर 5 लेंगे जिसमें हम नए शेप सीखेंगे और इसमें हम बच्चों को नई चीज जो है वो किस तरह से हर एक शेप अरेंज करके एक नया शेप बनाया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सफर स्टैंडर्ड 3 के चैप्टर नंबर 5 से। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शेप्स जिसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास 2 में पढ़ चुके हैं। हमें चार बेसिक शेप आते हैं। फर्स्ट है ट्रायंगल, फिर है सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और इसके अलावा हमने एक और शेप किया था ओवल, जो इसमें नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 61 में, ये बहुत ही इजी है। इसमें ऑलरेडी आपको बताया गया है कि अगर आपका ट्रायंगल रेड है, ट्रायंगल है तो आपको रेड कलर करना है, अगर आपका स्क्वायर है तो आपको येलो कलर करना है, अगर रेक्टेंगल है तो ब्लू कलर करना है, और अगर सर्कल है तो आपको ग्रीन कलर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कलर पढ़ने नहीं आते हैं अभी तक, तो इनके कलर्स भी दिए गए हैं ताकि आप इजीली इन्हें फॉलो कर सके, और फिर आप स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, इनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं, किस तरह करेंगे। अगर मेरा ट्रायंगल जो है वो रेड है तो जितने भी ट्रायंगल्स है उसमें मैं रेड कलर करूंगी। जैसे सॉरी कि ये मैं स्मॉल चॉक कलर ले रही हूं, क्योंकि जितना बड़ा होगा मुझे उतनी ही ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। सो ये मेरा रेड कलर है जो मैं इसमें करूंगी। इसी तरह से मैं ये रेड कलर जो है वो इस ट्रायंगल में करूंगी, उसके बाद इधर नीचे ये ट्रायंगल में करूंगी, ये ट्रायंगल में करूंगी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो जितने भी फिगर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जिनमें 3 साइड्स है वो हमारे ट्रायंगल्स है। इसके बाद इसी तरह से हम जहां पे स्क्वायर है वहां करेंगे येलो कलर। सो ये एक स्क्वायर है, इसमें हम येलो कलर करेंगे। मैं अभी फिलहाल एक ही करती हूं, लेकिन आपको बता दूंगी कि कहां पे और होगा। यहां पे, यहां पे, यहां पे, इतने स्क्वायर्स हमारे पास है। तो हमारे पास ट्रायंगल्स जो है वो कितने हैं, 1, 2, ये हमने मिस कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो हमारे पास ट्रायंगल है 7, स्क्वायर्स हमारे पास है 4। अब रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल स्क्वायर की तरह ही 4 साइडेड होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि रेक्टेंगल में दो ऑपोजिट साइड जो होती है उनका मेजर सेम होता है। मान लीजिए कि ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा। सो ऑपोजिट साइड जो है उनका डिस्टेंस या उनका मेजर सेम रहेगा। सो हमारे जो रेक्टेंगल है इनमें हमें करना है ब्लू कलर। तो हम ये ब्लू कलर लेते हैं
और ये हमारा पहला रेक्टेंगल है, इसे कलर करेंगे। ये सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल और फिफ्थ रेक्टेंगल। सो हमारे रेक्टेंगल्स जो है वो है 5। और लास्ट में हमें करना है सर्कल को कलर। तो सर्कल को हम कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे। सो ग्रीन हम अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो वो सारी जगह में जो बच जाती है ये शेप्स के, वहीं पे हमें कलर करना है, ना कि पूरी को कलर कर दे ताकि हमारा अंदर का जो स्क्वायर है, ट्रायंगल है, वो भी कवर हो जाए। वो आपको छोड़ देना है। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो हमारे सर्कल जो हो गए वो, सॉरी एक हमने भूल दिया, भूल गए 15। सो हमारे सर्कल्स हो गए 15। आप टोटल काउंट करके फिर साथ में कलर कर सकते हैं। ये आपकी होमवर्क रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स अब हम पेज नंबर 62 को देखेंगे। इस पेज पर ये तीन फिगर्स आपको दिए गए हैं। करना हमें ये है कि ये ईच फिगर में से हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। ट्रायंगल्स यानी मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रायंगल्स यानी जिसमें हमारे पास 3 साइड्स हो वो। सो हम पहले बाहर के ट्रायंगल्स को मार्क कर देते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने बाहर के ट्रायंगल्स को मार्क कर दिया। अब इंटरनली अंदर भी थोड़े ट्रायंगल्स बनेंगे, जैसे कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारा, ये जो हमने अभी मैंने आपको ट्रेस करके दिखाया वो हमारा 9th ट्रायंगल होगा। उसके बाद ये ट्रायंगल है, ये हमारा 10th ट्रायंगल होगा। उसके बाद इस तरह भी आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल हुआ, तो ये एक हमारा ट्रायंगल हुआ, 11th ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये है, सो वो हमारा हुआ 12th ट्रायंगल। सो इन ऑल इस फिगर में हमारे पास 12 ट्रायंगल्स है। इसके बाद ये शेप आता है। फ्रेंड्स जिस भी शेप में, ये हमें बाहर से अगर बोला जाए कि कौन सा शेप है तो ये है स्क्वायर। ये 6 साइडेड फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसका नाम पूछा जाए तो ये है हेक्सागन। हेक्सा यानी 6 और गॉन यानी साइड, 6 साइडेड फिगर। लेकिन अभी हमें ये नहीं पूछा गया, अभी हमें पूछा गया है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स है। तो अगेन वही टेक्निक, पहले हम जितने विजिबल ट्रायंगल्स है उन्हीं को मार्क करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे विजिबल ट्रायंगल्स है। अब 1 और 2 को मिलाकर 9th ट्रायंगल। सो ये हमारा 9th ट्रायंगल है जिसमें हमने 1 और 2 को मिलाया है। इसी तरह नीचे 10th ट्रायंगल बनेगा, यानी ये जिसमें मैंने, ये मेरा 10th ट्रायंगल है जिसमें मैंने 3 और 4 को मिलाया है, ये मेरा 10th ट्रायंगल है। उसके बाद जैसे अभी इसमें हमने पहले ऊपर के दो लिए फिर नीचे के, सेम ही स्क्वायर को हमने दो बार किया, वैसे इसको भी करना है। अब हम 1 और 3 को मिलाएंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे। सो ये एक ट्रायंगल बना जिसमें मैंने 1 और 3 को मिलाया, ये मेरा 11th ट्रायंगल है। अब 2 और 4 को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाएंगे, 2 और 4 को मिलाकर ये मेरा 12th ट्रायंगल बना। अब ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 1, 3 और 7 होगा। सो ये मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें 1 है, 1 है, 3 है और 7 है, ये मेरा 13th ट्रायंगल। और लास्ट में ये मेरा एक ट्रायंगल जिसमें सिर्फ 3 और 7 होंगे।
सो ये लास्ट है जिसमें एक 3 है और एक 7, ये मेरा 14th ट्राइंगल है. सो इन ऑल इसमें मेरे 14 ट्राइंगल्स है. अगर आपके इसमें 15 होते हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं तो आप मुझे बताइएगा जरूर. अब इसके बाद हमारा ये फिगर आया, ये बाहर से देखने में लगता है हमें ये एक ट्राइंगल है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ट्राइंगल्स तो देखकर ही पता चलते हैं. उसके बाद ये मेरा 10th ट्राइंगल है जिसमें 1, 2, 3 और 4 है, ये मेरा 10th ट्राइंगल है. इसी तरह ये एक ट्राइंगल है. सो ये ट्राइंगल में मेरे पास है 3, 5, 6, 7, ये मेरा 11th ट्राइंगल है. और एक ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मेरे पास है 12th ट्राइंगल. और लास्ट में फ्रेंड ये पूरा का पूरा भी ट्राइंगल है, सो ये मेरा लास्ट का 13th. तो इस फिगर में मेरे पास है 13 ट्राइंगल, इसमें 12, 14 और 13. इसके बाद ये जो फिगर है इसमें हमें पूछा गया है कि हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा है. ये किस बेस पे इन लोग ने हमें करके बताया है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करके. ये हर एक फिगर स्क्वायर से बना हुआ है और स्क्वायर्स को काउंट करना है और देखना है कि कौन सा रेक्टेंगल सबसे ज्यादा, जितने स्क्वायर्स हो उतना नंबर, कि भाई ये मेरा इसकी साइज है 24 फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये बड़ा है. इस तरह से हमें करना है. तो ये इन्होंने पहले सॉल्व करके दिया है, तो हम कैसे इसको काउंट करेंगे फटाफट वो देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 और ये 1, 2, 3 और ये 3. सो आपको करना क्या है, आपको 12 थ्रीजा करके देखना है और ये होना चाहिए, ये आपका है 36. तो इसकी साइज जो है वो 36 है. इसी तरह इसमें भी हमें फिगर्स करने हैं, तो हम किस तरह से करेंगे. अगर मैं ये फिगर लेती हूं जिसमें 1, 2 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ये 2 और 6, तो मेरा कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 2, 6 मेरा आंसर होना चाहिए 12. सो अगर मैं ये रेक्टेंगल लेती हूं तो इसका आंसर होगा 12. इसी तरह इसका भी आंसर 12 होगा, क्योंकि ये भी 1, 2 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, 12. तो ये दो तो सेम ही है, तो ये लेती हूं तो भी 12, ये लेती हूं तो भी 12. अब मेरे पास ऐसे इस तरफ जाने को भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 2 है, सो 9 और इस तरफ पे 2, सो 9, 2 इसके आंसर, इसका आंसर होगा 18. तो ये ही मेरा राइट है. आपको इसी को बॉर्डर बना के सिलेक्ट कर लेना है. अब फ्रेंड्स क्या होता है कि डिपेंड करता है, और ये हमारा ट्राइंगल है, डिपेंड करता है आपकी टीचर क्या कंसिडर करते हैं. इस ट्राइंगल में ये पूरा ट्राइंगल नहीं है, पूरा स्क्वायर नहीं है. ये स्क्वायर थोड़ा यहां से कटा हुआ है और ये स्क्वायर थोड़ा यहां से कटा. अगर आपके टीचर ये 2 स्क्वायर लेने से मना कर दे तो भी ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल ही बड़ा है. क्यों? क्योंकि तब ये साइज होगी 8 और ये साइज होगी 2. 8, 2 16, ये 16 होगा और ये 12 और 12, फिर भी ये बड़ा ही रहेगा. सो ये रेक्टेंगल हम लोग सिलेक्ट करेंगे. आइदर अगर टीचर एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये जरा सा नोक इसकी गई है तो ये चलेगा, तो फिर ये 18 रहेगा, और अगर टीचर बोलते हैं कि उसे निकाल ही दो तो फिर ये 16 रहेगा. इन एनी केस ये बड़ा ही रहेगा. इसके बाद हम नीचे के ये फिगर में आते हैं.
इस फिगर में अगेन अगर मैं इस तरह से लू तो यहां पे मेरे दो, ये परफेक्ट है, यानी ये जो मैंने स्केल जिस पे रखी है फ्रेंड्स, यहां से लेकर यहां तक ये स्केल एक परफेक्ट रेक्टेंगल है। तो हम काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 2, 3, सो इसके होंगे 30 ब्लॉक्स। अगर हम इस तरह से रेक्टेंगल लेते हैं तो ये तो सिर्फ यही होगा, सो 2 अगर ये रेक्टेंगल रहे तो ये 2 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो 2 9s are 18, सो ये तो हो ही नहीं सकता। अब हम अगर ये ब्लॉक देखें, इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, सो 9 और इधर 5, सो 9 5s are 45, ये हमारा लार्जेस्ट है, तो हम इसी को शेड करके, जो मैंने शेडेड पोर्शन रखा है ये ही हमारा रेक्टेंगल है, ये पार्ट नहीं है उसमें। अब ये फिगर आता है, इस फिगर में इसी तरह अगर हम, ये तो पूरा ही रेक्टेंगल है आप देख सकते हैं, सो यहां से अगर मैं लू तो 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ये 7 और ये 4, 7 4s are 28। लेकिन अगर मैं ये लू तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरा 9 होगा और 1, 2, 3, सो 3 9 3s are 27। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये लेने से 27 स्क्वायर्स होते हैं और ये लेने से 28, तो हम यही ऑप्ट करेंगे और हम ये 28 स्क्वायर्स वाला जो फिगर है यही लेंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ये हमारा 28। तो फ्रेंड्स आज हमने क्लास 3 का चैप्टर शेप्स एंड डिजाइंस देखा, जो 5th चैप्टर है, और इसमें छोटी छोटी बहुत सी चीजें जैसे कि शेप्स क्या होते हैं, कौन कौन से शेप्स हमने प्रीवियस ईयर किए थे उसके बारे में सीखा। ये वीडियो में यही समाप्त करूंगी और नेक्स्ट वीक यानी जो कमिंग वीक है इसमें मैं ये चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और इससे आपको कुछ भी नॉलेज बढ़ती हो तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।